अस्सलाम वालेकुम। ये बात सामने आई है कि भाई कहीं से भी कोई क्वारंटाइन सेंटर से जो साथी फारिग होकर के आ रहे हैं तो वो सीधे अपने घरों को जाएं, कोई भी कहीं यहाँ दिल्ली में कहीं अपने किसी दूसरे एड्रेस पर क़याम न करे, क्योंकि अभी फ़िलहाल कहीं भी कोई इस तरह का इंतज़ाम नहीं है और उनको भेजने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, दिल्ली पुलिस की है, उनके हवाले हों तो वो उनकी भेजने की तरतीब बनाएंगे। किसी भी साथी को कोई साथी फ़ोन ना करें, अपने तौर पर उनसे बात करें, अपने तौर पर उनका अपना इंतज़ाम कराएं, वो उनकी ज़िम्मेदारी में है। आपके पास आपकी अपनी आईडी है, घर वालों का फ़ोन नंबर है, आपका अपना एड्रेस है, अपने इलाके वालों के नंबर हैं, उनसे कहें कि जी ये हमारा प्रूफ है, ये हम यहाँ पर जाना चाहते हैं, हम आए थे, अब हमें यहाँ फ़िलहाल 14 दिन यहाँ रहना हुआ है, अब इससे हम फारिग हो गए हैं, हमारे भेजने की तरतीब बने, हम कहाँ जाएँ, चाहे वो फ़ौरन बनाएँ, चाहे वो कुछ वक्त मांगे, जो भी हो उन्हीं के हवाले हों। इसी तरीके से कहीं पे भी कोई बैरून के मेहमान हो तो वो भी उनको यानी उन्हीं के हवाले करें, ताकि जो है वो उनको उनके एम्बेसी तक पहुंचाएं और वहीं से उनकी वो भेजने की तरतीब बनेगी। क्योंकि अभी ना कोई कहीं मस्जिद में क़याम हो सकता है, ना कहीं किसी के घर पर क़याम हो सकता है, ना कहीं मोहल्ले में क़याम हो सकता है, इसलिए पूरी अपने जो है फ़िक्र के साथ सारे साथी इसकी जो है तरतीब बनाएँ। कोई भी परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह आसान करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और कोई बात हो तो इंशाल्लाह जो है अपने किसी भी ज़िम्मेदार से रब्ता कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जो जमातें हमारे मुल्क के अंदर 4 माह की चल रही हैं और उनका 1 चिल्ला 2 चिल्ला भी बाकी है और वहाँ कोई रहने में उनको किसी तरीके से दुश्वारी नहीं है और उनका इंदराज भी हो चुका है, वो मामूल के अतबार से अपना अपना वक्त लगाएँ और जब तक कि माहौल हमवार हो और किसी तरह का कोई और आगे मशवरा ना हो, तब तक कि वो जमातें कहीं और ना जाएँ। और अगर वहाँ पर कोई हुकूमत की तरफ से दुश्वारी है, दिक्कत है, परेशानी है तो वो जमातें वापसी आ सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वहीं जमातें जमें, आमाल करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, दुआएं करें। ये है इसी तरीके से साल वाले अहबाब भी, साल वाले अहबाब अगर किसी एक जमात में मुकम्मल हैं तो वो अपने तौर पर जहाँ पर जमात है उनकी और वहाँ स्थायी कोई दुश्वारी नहीं तो वहीं रह करके काम करें, और अगर अफराद हैं तो उसके वहाँ के अपने इलाके के साथियों से मशवरा कर लें और अपने अपने जो है मामूल के अतबार से अपने आमाल करते रहें और बाकी जमात वापसी आ जाए और बाकी और मशवरा कर लेंगे उसके बारे में। जब मामूल पर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तो उस इंशाल्लाह जो है उसकी तरतीब बन जाएगी बाद में। अस्सलाम वालेकुम।